बस में आदमी ने देखा कि उसकी बीवी ने अपना पर्स गिरा दिया है, लेकिन उसने ना सिर्फ उसे उसके बारे में बताया बल्कि उसने इंतजार किया कि उसकी बीवी बस से उतरे और फिर उसने चुपके से पर्स पुलिस को सौंप दिया, क्योंकि आज से 10 साल पहले इसी दिन बस से उतरकर पर्स वापस करने की वजह से ही वे दोनों एक दूसरे को जानने से लेकर शादी करने और बच्चे होने तक पहुंचे थे। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी नहीं थी, इसलिए इस बार जैक उसके साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो जूली से टकरा गया, जो अपने पर्स के खोने की रिपोर्ट करने आई थी। जैक ने उसे खुश रहने की शुभकामनाएं दी जब वो गुजर रही थी, और यहाँ तक कि आज उसकी एक लड़की के साथ डेट थी। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने एक टैक्सी पकड़ी और आखिरकार उसने कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले एना को ढूंढ निकाला। शो के बाद वे दोनों एक गर्म हॉलवे में साथ टहले और एना ने सीधे जैक से अपने दिल की बात कही। एक बहुत तेज सफेद रोशनी के साथ जैक अपने बिस्तर पर अचानक से जाग उठा। इस अजीब कमरे के बारे में सोचते हुए उसके बगल में एक औरत पलटी।